आनंद शर्मा ने कहा कि हर चुनाव में विचारधारा की जानकारी मिलती है कि किस दल की क्या विचारधारा है। 5 साल पहले भाजपा के मैनोफेस्टो को निकाल कर देखे, कांग्रेस पार्टी हिमाचल के चुनावों को गंभीरता से लेगी और चुनाव मैदान में उतरेगी। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी और वादा खिलाफी भी है। जीत का दावा तो सभी करते हैं, लेकिन अच्छी छवि वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाना चाहिए। पार्टी में जहां पर कमी है उसको मिलकर दूर करने के लिए प्रयास करें। एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है। G23 कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही है और अभी भी मैं आपके सामने हूँ। ये कांग्रेस से अलग नहीं है बल्कि कांग्रेस के दिल में है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण कमेटियों में इसके नेता शामिल है। संगठन को मजबूत करने को सुझाव देना प्रजातंत्र की जरूरत है। भारत की लोकतांत्रिक जरूरत के लिए कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित होना पड़ेगा। जिन राज्यों में कांग्रेस खत्म हो चुकी है वहां पर फिर से कांग्रेस को स्थापित करना होगा। G23 कांग्रेस के मजबूत करने का काम कर रही है। आपके सामने G23 बैठे, उसमें क्या गलत बात है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी कितने लोग हम सदस्य हैं। कांग्रेस की दोनों जो महत्वपूर्ण कमेटियां बनी हैं उदयपुर के बाद, सीनियर CWC मेंबर की एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जिसमें गुलाम नबी आजाद और मैं दोनों उसके सदस्य हैं, और दूसरी जो टास्क फोर्स है उसमें भी G23 के मुकुलवासियों की। G23 कांग्रेस के बिल्कुल दिल के अंदर बैठी है। सुझाव देना संगठन को मजबूत करने की बात कहना वो प्रजातंत्र की जरूरत रहती है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा रही थी, इसीलिए कांग्रेस मजबूत हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इतना मजबूत संगठन बनाया कि जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी। उसमें हर इलाके के, उस वक्त तो इतनी स्टेट्स नहीं थी अंग्रेजों के वक्त, हर इलाके से कांग्रेस के अध्यक्ष आए, कांग्रेस के नेता बने। मैं प्रचार से और संगठन के काम से तो पीछे नहीं था। स्टीयरिंग कमेटी तो एक चुनाव से संबंधित समिति है। मैं कांग्रेस की हाईएस्ट कमेटीज का सदस्य हूँ, CWC का, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का। और मैंने कल भी कहा था कि हर व्यक्ति की पहचान पद से और चुनाव से बनी हुई कमेटीज की सदस्यता या चेयरमैनशिप से नहीं होती। जो भी बातें होती है संगठन के अंदर की होती हैं, हित में संगठन की कही जाती है। हर चुनाव में को गंभीरता से लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल के चुनाव को गंभीरता से ही लेगी और पूरे आत्मविश्वास से इस चुनाव को लड़ेगी। पर ये आवश्यक है, जो मैंने अपने दल के लोगों से बातचीत शुरू की है और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे, कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो हमारा हमेशा से एक आजमाया हुआ तरीका रहा है उस पे चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत उम्मीदवार उतरेंगे। BJP के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और वायदा खिलाफी का इल्जाम भी है। मैंने तो आपको बता दिया ये काम होमवर्क आप करो, निकाल लो मैनिफेस्टो और देख लो स्वयं। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।